एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर के शर्मा एल जी पी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? देखते हैं जरा कितने बच्चे लाइव आ चुके हैं, उस हिसाब से क्लास स्टार्ट करेंगे। फिर अभी सिर्फ 5 लोग ही आए हैं ऑनलाइन। चलो भाई सभी को गुड मॉर्निंग। राहुल, देवेश, अंकेश, राजेश, अंकेश, पूजा, गुंजन, अंकेश, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आज की आपकी जो डिजीज़ है वो हम अच्छे से कंप्लीट करवा सको। कंप्लीट सभी को बोलिए भाई, मेडिसिन क्लास लग रही है, थीलेरियोसिस आज आपकी डिजीज़ का नाम है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मीनाक्षी आ गई है, चलो भाई गुड मॉर्निंग। जल्दी से बोल दो सभी को, सभी को जल्दी से बोल दो कि लाइव आ जाएं। एकता गुड मॉर्निंग, सौरभ गुड मॉर्निंग भाई, करुणा गुड मॉर्निंग, राजेश क्या हो गया, नेटवर्क इशू हो गया क्या अभी से? अंतिमा गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम सा, राधे राधे, भोजराज, कुंदन गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई। जल्दी से है ना सभी लोग लाइव आ जाइए, ताकि हम क्लास जो आज की हमारी स्टार्ट करें। आज की हमारी जो मेडिसिन में क्लास है वो है थीलेरियोसिस। और कौन सी डिजीज़ है ये थीलेरियोसिस? ये थीलेरियोसिस है हमारी प्रोटोजोअल डिजीज़। कौन सी डिजीज़ है? प्रोटोजोअल डिजीज़ है। थीलेरियोसिस कौन सी डिजीज़ आज की हमारी? थीलेरियोसिस है। थीलेरियोसिस आज के डिजीज़ का नाम हमारा थीलेरियोसिस। प्रिंस गुड मॉर्निंग भाई, राहुल गुड मॉर्निंग, प्रिया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आज हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो डिजीज़ है उसके बारे में। भाई एक तो आप लोग है ना लाइव नहीं आते हैं, और इस वजह से हम डीमोटिवेट होते हैं थोड़ा सा, फिर पढ़ाने का मन भी नहीं करता। अब चार चार पंद्रह पंद्रह बीस बच्चे सिर्फ लाइव आ रहे हैं, सभी को लाइव आना चाहिए। सुनील जी गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, नारायण जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है डिजीज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रोटोजोअल डिजीज़, मेडिसिन के अंदर हमारा चल रहा था प्रोटोजोअल डिजीज़। उससे पहले हमने वायरल करवा दी हैं, बैक्टीरियल करवा दी हैं, हमारी चल रही है प्रोटोजोअल डिजीज़। प्रोटोजोअल में हमने एक डिजीज़ कल पढ़ ली थी, एक्टिनोबेसिलियोसिस पढ़ लिया था हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो डिजीज़ है उसका नाम है थीलेरियोसिस। इस डिजीज़ का क्या नाम है? थीलेरियोसिस है। और इस डिजीज़ के कई सिक नेम हैं। सबसे पहले तो इस थीलेरियोसिस को पूर्वी किनारे का बुखार, सबसे पहले तो इस बीमारी को पूर्वी किनारे के बुखार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा इस थीलेरियोसिस के कई सिक नेम हैं, जैसे कि इसे कहा जाता है ईस्ट कास्ट फीवर। क्या कहा जाता है इसे? एक तो कहा जाता है इसे ईस्ट कास्ट फीवर। जसवीर जी आ गए क्या? चलो गुड मॉर्निंग भाई। ईस्ट कास्ट फीवर, उसके अलावा इसे कहा जाता है रोडेंसिन टिक फीवर। क्या कहा जाता है? रोडेंसिन टिक फीवर, क्योंकि ये जो चीचड़ होते हैं, टिक्स होते हैं, उनके काटने से यह रोग होता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग भाई। एक है रोडेंसिन टिक फीवर भी इसे कहा जाता है, उसके अलावा इसका नाम है रेड वाटर, उसके अलावा इसका नाम क्या है? रेड वाटर डिजीज़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके अलावा इसका नाम है जनवरी डिजीज़, और उसके अलावा इसे कहा जाता है कॉरिडोर डिजीज़। इसके अन्य सिक नेम हैं, एक इसे कहा जाता है जनवरी डिजीज़ और
कॉरिडोर डिजीज भी किसे कहा जाता है? थीलेरियोसिस को कहा जाता है। कृष्ण यादव, जीतू जाजोरिया भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो थीलेरियोसिस को सबसे पहले किस नाम जाना जाता है? थीलेरियोसिस को पूर्वी किनारे का बुखार भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह पूर्वी भारत में व पूर्वी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। पूर्वी भारत है, पूर्वी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यह जो विदेशी नस्ल की जो गायें हैं उनमें भी ज़्यादा होता है। विदेशी नस्ल की जो संकर गायें होती हैं उनमें भी यह रोग ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको, इसके उपनाम कौन कौन से हो गए? इसके उपनाम हैं ईस्ट कास्ट फीवर, रोडेंसिन टिक फीवर, रेड वाटर डिजीज, जनवरी डिजीज और कॉरिडोर डिजीज के नाम से भी थीलेरियोसिस को जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस रोग के इंट्रोडक्शन की। तो यह जो रोग है, गुड मॉर्निंग भाई अंकित जी, गुड मॉर्निंग। अब हम बात करते हैं इस रोग के इंट्रोडक्शन की, यानी कि इस रोग का क्या परिचय होगा, किस तरह से इस रोग के बारे में हम अगर एग्ज़ाम में लिखने की बात आए तो किस तरह से लिखेंगे, और अगर कोई हमसे पूछे किसी इस रोग के बारे में तो उसका किस तरह से परिचय देंगे, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह जो रोग है मुख्य रूप से बछड़े व बछड़ियों का रोग है, यानी कि काफ का रोग है और गायों में भी पाया जाने वाला रोग है। किन में पाया जाता है? यह गायों में भी पाया जाता है। इस रोग में क्या होता है, थीलेरियोसिस में पशु को हाई फीवर हो जाता है, पशु को फीवर हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है, और हाँ जी खेमू शर्मा, राधे राधे। और इससे क्या होता है, पशु को एनीमिया होता है, लिम्फ जो ग्लैंड्स होती हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, तथा पशु क्या होता है, वीक हो जाता है, पशु क्या होता है, वीक हो जाता है। हाँ जी ऋचा, गुड मॉर्निंग, हेलो, ठीक है। तथा वीक होने के साथ क्या होता है, पशु जब भी इस रोग की चपेट में आता है तो बहुत ही कम होता है कि कोई भी पशु जब इस रोग से संक्रमित हो जाए तो वह बच पाता है। बहुत कम होता है कि किसी भी पशु को अगर हो जाता है तो वह बच पाए, ठीक है। पूजा यादव नमस्ते, ठीक है। बछड़े बछड़ियों में ज़्यादा होता है, उसके अलावा यह विदेशी नस्ल के जो संकर पशु होते हैं उनमें यह जो रोग है थीलेरियोसिस उसके होने की संभावनाएं अधिक होती है। हालांकि यह जो रोग है भारतीय नस्ल की गायों में भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, भारतीय नस्ल के जो बछड़े व बछड़ियाँ होती हैं वह ज़्यादा प्रभावित होती हैं। थीलेरियोसिस से क्या होता है कि भारतीय नस्ल के जो बछड़े व बछड़ियाँ हैं वह ज़्यादा प्रभावित होती हैं। यह रोग किससे होता है, यह जो थीलेरियोसिस जो डिजीज़ है यह ज़्यादातर रोग उस इंसानों पर होता है जहाँ पर चीचड़े टिक्स जो होते हैं ज़्यादा पाई जाती हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, अपने राजस्थान में। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती हैं, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है गर्मी के दिनों में बहुत ही अलग अलग प्रकार के चीचड़ हो गई, जू हो गई, छीचड़े हो गए, ये सारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी अपने पनपते हैं। हाँ जी राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मियों में चीचड़ों की भरमार होती है, क्योंकि रात को अपन लाइट जला के भी नहीं रह सकते। अगर किसी के खेतों के आसपास घर है, कहीं भी घर हो, अगर अपन रात को लाइट जला के देखें तो कैसे काले काले से मच्छर और अलग अलग प्रकार के मच्छर, चीचड़े वगैरह, पता नहीं क्या क्या हमारे आसपास उपस्थित रहती है रात को। स्पेशली दिन में तो फिर भी कम दिखाई देते हैं, लेकिन रात को ज़रूर दिख जाते हैं हर प्रकार के मच्छर, भांति भांति प्रकार के, ठीक है। गर्मियों में ज़्यादा होती हैं, और यह जो रोग है थीलेरियोसिस वह भी गर्मियों में ज़्यादा होता है। यह जो रोग है ना थीलेरियोसिस वह भी गर्मियों में ज़्यादा होता है, और यह जो रोग है वह टिक्स के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है यह रोग, यह जो रोग है टिक्स के द्वारा फैलता है, यानी कि चीचड़ों के द्वारा यह रोग फैलता है। इस यह जो रोग है हायलोमा नामक चीचड़ के द्वारा फैलाया जाता है। यह जो रोग है हायलोमा नामक चीचड़ों द्वारा फैलाया जाता है ज़्यादातर। यह क्या करती है, पशु का खून चूसती है, और खून चूसने के बाद जब उनका जो ब्लड होता है उसके अंदर ये प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, और ये प्रोटोजोआ क्या करते हैं, उनके शरीर की जो RBC होती है, WBC होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के कोमा के रूप में पाए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो राजेश, बिल्कुल इस प्रकार के ही पाए जाते हैं, भांति भांति प्रकार के हमारे आसपास टिक्स एंड लूज पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें हैं किससे फैला जाती है, किससे फैलाया जाता है, मेन रूप से हायलोमा जो जाति होती है उनके चीचड़ों के द्वारा यह रोग फैलाया जाता है। अब हम बात करें यह जो रोग है प्रोटोजोआ का जो डिजीज़ है थीलेरियोसिस, यह ब्लड प्रोटोजोआ पैरासाइट से होता है,
यह है जो ब्लड के अंदर जो प्रोटोजोआ होते हैं, परजीवी होते हैं थिलेरियोसिस प्रजाति के, उनके द्वारा उनमें यह रोग होता है। और इंडिया के अंदर यह जो रोग है थिलेरिया एनुलाटा नामक प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? थिलेरियो एनुलाटा। किस में फैलता ही है? थिलेरियो एनुलाटा से तो फैलता है, यह है कैटल्स में फैलता है। उसके अलावा थिलेरियो ओविस से फैलता है, यह है सिप्स में, यानी कि भेड़ों में। किससे फैलता है? थिलेरियो ओविस से फैलता है, जबकि थिलेरियो हिरसी से यह है गोट में फैलता है। थिलेरियो हिरसी से यह है गोट यानी कि बकरियों में यह रोग फैलता है। कौन से परजीवी से फैलता है? हाँ जी शारदा, गुड मॉर्निंग। किस किस से फैलता है यह है? यह जो रोग है इंडिया के अंदर यानी कि भारत के अंदर थिलेरियो एनुलाटा से तो किस में फैलता है? कैटल्स में फैलता है, जबकि थिलेरियो ओविस से यह शीप में फैलता है, और थिलेरियो हिरसी से यह है गोट में फैलता है। जबकि यह जो रोग है यह रोग बफेलो के अंदर फैलता है थिलेरियो मुंटास से, तथा कैमिल के अंदर फैलता है थिलेरियो कैमिलिनेसिस से। थिलेरियो कैमिलिनेसिस से फैलता है। ऊँट में तो फैलता है थिलेरियो कैमिलिनेसिस से, जबकि बफेलो में थिलेरियो मुंटास से यह जो रोग है प्रोटोजोआ से फैलता है। यह प्रोटोजोआ क्या करते हैं? यह जो प्रोटोजोआ है, गुड मॉर्निंग दीपशिका, कुंदन लाल, गुड मॉर्निंग। यह जो प्रोटोजोआ क्या करते हैं? यह है ये जो थिलेरियो प्रकार के जो प्रोटोजोआ होते हैं ये पाए जाते हैं ब्लड के अंदर। ब्लड में यह परजीवी रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं? ब्लड के अंदर ये परजीवी वृद्धि नहीं करते हैं। ये जो परजीवी होते हैं ब्लड के अंदर वृद्धि नहीं करते हैं। जबकि अगर बबेसियोसिस के अगर ये जो प्रोटोजोआ हो गए तो बबेसियोसिस से तो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, लेकिन थिलेरियोसिस की वृद्धि नहीं करते। जबकि ब्लड में पाए जाने वाले थिलेरियोसिस के जो प्रोटोजोआ होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? डंडाणु होते हैं, यानी कि डंडे की भांति के होते हैं, गोलाकार के होते हैं, अंडा आकार के होते हैं, कोमा के आकार के होते हैं, और अंगूठी के आकार के होते हैं। यानी कि थिलेरियोसिस के प्रोटोजोआ के जो आकार होते हैं यह किस में पाए जाते हैं? ब्लड में पाए जाते हैं। और ब्लड में पाए जाने की वजह से यह आरबीसी डब्ल्यूबीसी मोनोलिम्फोसाइट्स में भी पाए जाते हैं। किस किस में पाए जाते हैं? आरबीसी डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स में पाए जाते हैं। और जिस वजह से इन सारी स्थिति जो चार पांच प्रकार के इनके जो आकार होते हैं इन प्रोटोजोआ के, इस वजह से इसे कहा जाता है स्टीचोन्स कोच ब्लू बॉडीज। क्या कहा जाता है इसे? स्टीजोन्स कोच ब्लू बॉडीज कह देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस रोग के सिम्टम्स की, या इस रोग के पैथोजेनेसिस की बात करें तो यह रोग ज़्यादातर गर्मियों में फैलता है। कब होता है यह रोग? ज़्यादातर फैलता है गर्मियों में, यह रोग सबसे ज़्यादा फैलता है। उसके अलावा यह रोग जब भी फैलता है, जब, हाँ जी, यह रोग जब ज़्यादा फैलता है जब जो टिक्स होते हैं यानी कि चीचड़ों की संख्या हमारे आसपास अगर किसी भी मौसम में ज़्यादा है, मुख्य रूप से गर्मियों में होती है, लेकिन अगर किसी और मौसम में भी चीचड़ों की भांति भांति प्रकार के मच्छरों की मक्खियों की अगर हमारे आसपास ज़्यादा भरमार रहती है तो भी यह रोग ज़्यादा फैलता है। उसके अलावा यह रोग किससे फैलता है? हायलोमा तथा रिपीफेलस प्रजाति के जो टिक्स होते हैं उनसे यह रोग ज़्यादा फैलता है। यह जो थिलेरियो के जो प्रोटोजोआ होते हैं ब्लड में होते हैं, तथा उस समय जब चीचड़ या खून, चीचड़ जब क्या करते हैं इस खून को चूसते हैं तो चूसने के साथ ही क्या करते हैं यह जो प्रोटोजोआ होते हैं सीधे ही किस में चले जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं। और ब्लड में जाने के बाद में कोच ब्लू बॉडीज बनाते हैं, और कोच ब्लू बॉडीज के बाद में पूरे शरीर के अंदर संक्रमण होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी व लिम्फोसाइट्स की संख्याएं घटने लग जाती हैं। और जैसे जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी व लिम्फोसाइट्स की संख्या घटने लग जाती है पशु के शरीर में हो जाता है एनीमिया, उसको आ जाती है वीकनेस, और वीकनेस आने की वजह से क्या हो जाता है? पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और सबसे मेन सिम्टम्स थिलेरियोसिस का सबसे मेन सिम्टम्स यही है कि थिलेरियोसिस में जब हम देखें ब्लड टेस्ट करवाएं तो उसके अंदर कोच ब्लू बॉडीज पाई जाती हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि कोच ब्लू बॉडीज किसमें पाई जाती हैं तो कोच ब्लू बॉडीज एक ही बीमारी के अंदर पाई जाती हैं और वह है थिलेरियोसिस। किसमें? थिलेरियोसिस है। और जिसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? डब्ल्यू बी सी आर बी सी व लिम्फोसाइट्स नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है।
अब आगे हम बात करें इस रोग के सिम्टम्स की। हाँ जी रवि, सिम्टम्स की बात करें इस रोग में, सबसे पहले तो पशु को हाई फीवर होता है, कम से कम 106 डिग्री फॉरेनहाइट। कितना होता है? 106 डिग्री फॉरेनहाइट क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है। क्या हो जाता है पशु को? 106 डिग्री फॉरेनहाइट के समथिंग तो पशु को हो जाता है फीवर। उसके अलावा क्या होता है? पशु के जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, और लिम्फेटिक ग्लैंड्स में सूजन आने की वजह से पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। लिम्फ ग्लैंड में सूजन, सांस में तकलीफ, लिम्फ ग्लैंड में सूजन आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। हाँ जी, फिर उसके अलावा पशु की जो आंखें होती हैं वह ईंट के जैसी लाल हो जाती है। पशु की आंखें ईंट के जैसी लाल हो जाती है। ईंट का जो रंग होता है, ईंट के जैसी लाल हो जाती है। पशु की आंखें कैसे हो जाती हैं? ईंट के जैसे लाल रंग की हो जाती हैं, और आंखों में यह लाल किस वजह से होती हैं? विक्रम फागणा जी, राधे राधे। ठीक है, उसके अलावा क्या होती है? ईंट, पशु की जो आंखें होती हैं वे ईंट के जैसे रंग की लाल हो जाती हैं। आंखों में क्या होता है? हिमोरेज हो जाता है, यानी कि जो खून होता है वह आंखों में जमना स्टार्ट हो जाता है, और पशु क्या होता है? सुस्त हो जाता है। तो आंखों में हिमोरेज हो जाता है, पशु की आंखों में हिमोरेज हो जाता है। आंखें लाल, हिमोरेज, कोच ब्लू बॉडीज। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? पशु सुस्त हो जाता है, और कोच ब्लू बॉडीज थीलेरियोसिस का मुख्य लक्षण है। कोच ब्लू बॉडीज क्या है? थीलेरियोसिस का मुख्य लक्षण है। ठीक है, पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है, नाकों से श्राव गिरता है, आंखों से भी पानी गिरता है, भूख कम लगती है, तथा पशु का जो गोबर होता है वह अर्ध कठोर या पीला सा होता है, जिसके अंदर कभी कभी क्या हो सकता है? ब्लड भी मिला हुआ आ जाता है। कभी कभी क्या होता है? ब्लड भी मिला हुआ आ जाता है पशु के। कभी कभी तो क्या हो जाती है? पिस्सी हो जाती है, जिसे हम कह देते हैं ना, दो जगह जगह पे दाफड़े बोलते हैं जिसको, पिस्सी सी हो जाती है, वो भी हो जाती है कभी कभी इसके संक्रमण से। पूरे शरीर में उसकी खुजली चलने लग जाती है पशु के। उसके अलावा क्या होता है? जो भी पशु दूध देता है उसका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया होने के साथ साथ पशु के शरीर में दस्त के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हाँ जी सविता, गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें इसमें पशु के एनीमिया, म्यूकस मेम्ब्रेन हल्की पीली हो जाती है, यूरिन का कलर तो सामान्य रहता है, लेकिन अगर इस अवस्था में सही टाइम पे इलाज नहीं किया जाता है तो फेफड़े जो होते हैं यानी कि लंग्स होते हैं उसमें एडिमा हो जाता है, और जिससे क्या होता है? पशु की मृत्यु हो जाती है। और अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं, हाँ जी बल्केश, गुड मॉर्निंग, यदि थीलेरियोसिस डिजीज होने के बाद अगर पशु को ज़्यादा दिन हो जाते हैं और अगर उसको सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो क्या होता है? रोगी जो बछड़ा होता है उसकी आंखें सूज कर ऐसे लगती है जैसे बाहर आ गई हो। रोगी जो बछड़ा होता है अगर उसकी आंखों को हम देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि सूज कर बाहर आ गई हो। उसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ जी अशोक, नमस्ते। उसके अलावा हमें अब डायग्नोसिस के अंदर, हमें सभी को पता है कि डायग्नोसिस के अंदर हमें क्या करना चाहिए? पशु का जो सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड टेस्ट के अंदर हम देखें तो लिम्फेटिक ग्लैंड हो गया, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, बछड़ों के अमाशय के अंदर क्या होता है? जब अगर थीलेरियोसिस हो जाता है अगर बछड़ों में, तो उसमें क्या होता है? बछड़े का जो अमाशय होता है उसके अंदर दूध के थक्के मिलते हैं।
केक्स के थक्के मिलते हैं, मिल्क क्लॉट्स मिलते हैं, ब्लड में थीलेरियोसिस की उपस्थिति मिलती है, लिम्फेटिक ग्लैंड, स्प्लीन तथा लीवर किडनी के जब सीरम की हम जांच करवाते हैं उसके अंदर कोच ब्लू बॉडीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? हाँ जी, कोच ब्लू बॉडीज मिलते हैं। पंच्ड आउट पल्सर अल्सर ही मिलता है एबोमेजम में मिलता है। यह जो पंच्ड आउट अल्सर है वह एबोमेजम में मिलता है। अब हम बात करें इस रोग के ट्रीटमेंट की, तो इस रोग के ट्रीटमेंट में अगर शुरुआती अवस्था में अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है थीलेरियोसिस का, तो पशु की मृत्यु हो जाती है। अगर स्टार्टिंग अवस्था है, स्टार्टिंग में स्टेज है अगर थीलेरियोसिस की, फर्स्ट स्टेज है, अगर उस दौरान अगर पशु को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, ज़्यादातर पशुओं की डेथ हो जाती है। फिर आगे हम बात करें इस रोग में पशु को हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं जैसे कि क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पशु को एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। एंटीबायोटिक में दे देंगे हम उसको क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं हम पशु को IV IM इंट्रामस्कुलर, IV या IM इंट्रामस्कुलर हम पशु को दे सकते हैं दिन में दो बार, कम से कम 10 से 15 ml के समथिंग। उसके अलावा हम क्या करेंगे, पशु को ब्यूपेराक्वेन का इंजेक्शन दे सकते हैं जिसे ब्यूटालेक्स का बोलते हैं, वह ड्रग भी बहुत इफेक्टिव होती है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं शुभम गुजर जी, इंजेक्शन ब्यूपेराक्वेक 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम पशु को दे सकते हैं जिसे ब्यूटालेक्स भी कह देते हैं। उसके अलावा हम पशु को इंजेक्शन दे सकते हैं ब्रेनिल का। ब्रेनिल के अलावा हम पशु को दे सकते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा हम क्या करेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट का पशु को इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा जो ट्रीटमेंट है वह कंप्लीट होता है, और इसके अंदर पशु को टीका लगवाना चाहिए, रक्षा वैक्सीन लगवाना चाहिए थीलेरियोसिस का, रक्षा वैक्सीन कम से कम 3 माह की उम्र पर, 3 मंथ की एज पर लगवाना चाहिए, और टिक्स जो हैं उनका नियंत्रण करना चाहिए। पायल आप लेट नहीं हुए, क्लास ही खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी के साथ आज की हमारी जो डिजीज थी थीलेरियोसिस वह कंप्लीट होती है। और आप सभी को वीडियो कैसे लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। कोई बात नहीं भाई, सभी को धन्यवाद। इसी के साथ कंटिन्यू क्लास में बने रहिए ताकि आगे आगे टाइम टाइम पर आपका जो सारा कम सिलेबस है कंप्लीट करवा सके। जो भी बच्चे लाइव आते हैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जिसमें से राजेश टेक्निकल और फर्स्ट ईयर के बच्चे सबसे ज़्यादा लाइव आते हैं, उसके लिए उनको और भी ज़्यादा धन्यवाद।